नमस्कार दोस्तों, मैं आरके ट्रेडिंग से रवि कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आरके ट्रेडिंग में। दोस्तों आज तारीख है 29 जनवरी 2019, समय शाम के 5:52 हो रहे हैं और अपना स्टॉक परफॉर्मेंस रिव्यू लेकर हाजिर हूं आप लोगों के सामने। देखेंगे जो स्टॉक मैं देता हूं टेलीग्राम चैनल पर अपने यूट्यूब चैनल के 3-स्टार सेक्शन में, कौन सा स्टॉक आपको स्टॉप लॉस हिट कराया, किसने प्रॉफिट कराया, इन सारी चीज़ों को यहां पर हम लोग देखेंगे। उसके पहले दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए अपना स्टॉक परफॉर्मेंस रिव्यू शुरू करते हैं। पहला स्टॉक जो यूट्यूब चैनल के 3-स्टार सेक्शन में दिया था उसमें था कॉन्कोर का। कॉन्कोर का जो स्टॉक था वो मैं देख लेता हूँ यहाँ पर क्या हुआ आप लोगों के लिए, 5 मिनट का टाइम फ्रेम। अब हम लोग शुरू करते हैं 29 तारीख, यहाँ बाय करना था 645 के ऊपर, तो शुरू के 5 मिनट ये स्टॉक ऊपर गया ही नहीं तो हमारा बाइंग ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। सेल करना था 635 के नीचे, आप देखिए यहाँ कहीं पे आपको सेल करना था 635 के नीचे इस जगह पर, और इस कंडीशन में जो पहला टारगेट हमारा निकल के आ रहा था दोस्तों वो निकल के आया था 631 का, जो कि आपको आसानी से यहाँ पे अचीव हो गया, और जो दूसरा टारगेट था वो 627 का था, तो लगभग स्टॉक ने 628 का यानी 628.55 रुपये का लो लगाता है, यानी एक टारगेट बहुत ही आसानी से अचीव हो गया सेल साइड में, बाय साइड ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, एक टारगेट बहुत आसानी से आपको अचीव हो गया और दूसरा टारगेट थोड़ा सा चूक गया, तो हम लोग यहाँ एक टारगेट मान के चलेंगे कि आपको एक टारगेट सेल साइड में अचीव हुआ कॉन्कोर में। ऊपर 645 के ऊपर हमें बाइंग करना था, ये तो 3 बजे के बाद जाता है तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, तो एक टारगेट आपको एक से ज़्यादा टारगेट मानेंगे कॉन्कोर में, थोड़ा सा ज़्यादा पर एक ही मानता हूँ। चलिए अगला स्टॉक मैंने दिया था स्टार का यानी स्ट्राइड्स फार्मा का, तो स्ट्राइड्स फार्मा को देख लेते हैं क्या किया था स्ट्राइड्स फार्मा ने आपके लिए। बाइंग दिया था, मैं एक मिनट डायरी खोल लेता हूँ, बाइंग दिया था 510 के ऊपर, 510 के ऊपर, 510 के ऊपर यहाँ है ना, स्टॉक शुरू के 5 मिनट ओपन होता है 512 का हाई लगाता है, 510 के लगभग दोबारा कब निकलता है 510 को इस कैंडल ने ब्रेक किया, और हमारा पहला टारगेट 514 का था जो कि आपको आसानी से अगर आपने यहाँ लिया तो इस रेड वाली कैंडल ने दे दिया, दूसरा टारगेट 518 का था जो आपको ये ग्रीन वाली कैंडल ने दे दिया, तीसरा टारगेट 522 का था जो आपको यहाँ पर मिल गया, तीन टारगेट अचीव हो गए, उसके बाद दोबारा फिर उतना ही टारगेट गया आपको ऊपर, बहुत अच्छी बात है, यानी तीनों टारगेट अचीव हो गए बाय साइड के स्टार में, स्टार बिल्कुल स्टार परफॉर्मेंस दिखाया, 3 स्टार में स्टार परफॉर्मेंस दिखाया स्टार ने, हमारे लिए 3 टारगेट अचीव हो गए। सेल साइड दिया तो 500 के नीचे स्टॉक, देखिए 500 को कहाँ पर ब्रेक करता है यहाँ पर, और ये शुरू ये ब्रेक होते के साथ ही नीचे 479 का लो लगाता है, जो कि सारा टारगेट ही हमारा एक ही कैंडल में अचीव होता है, हमारा टारगेट लास्ट था 488 का सेल साइड में, तो तीनों टारगेट सेल के भी अचीव हो गए और तीनों टारगेट बाय के भी अचीव हो गए, दोनों साइड स्टार ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया यानी सुपर हिट हो गया ये। अगला स्टॉक मैंने दिया था TCS का, तो TCS को भी देख लेते हैं हम लोगों ने क्या किया TCS ने, बाय करना था हमें TCS को 1965 के ऊपर, पहली कैंडल 1966 के ऊपर जाता है नहीं करना है, सेकंड कैंडल 1965 के ऊपर नहीं गया, 1965 के ऊपर नहीं गया, लोग कोई भी कैंडल ने हाई नहीं बनाया 1065 के ऊपर नहीं गया है, ठीक है वहीं से नीचे आ रहा है, ऊपर ब्रेक नहीं कर रहा है 1065 के ऊपर, तो हमारा यहाँ पे बाइंग ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। सेल साइड अगर हम लोग 1955 को देखते हैं तो 1955 को यहाँ कहीं पे ब्रेक हुआ है, ठीक है 1955, और इस कंडीशन में जो हमारा पहला टारगेट निकल के आ रहा था वो टारगेट था 1946 का, जो कि आपको आसानी से यहाँ अचीव हो गया, सेकेंड टारगेट जो था 1937 का वो अचीव हो गया, यहाँ दो टारगेट सेल साइड के मिल गए। अब वापस से स्टॉक दिन के 2 बजे 2:30 बजे ब्रेक करता है 1965 को, और जो ऊपर की तरफ के टारगेट थे 1974 का वो आपको यहाँ अचीव हो गया 1974, और दूसरा टारगेट 1983 का वो आपको यहाँ अचीव हो जाता है, यानी ऊपर के भी दो टारगेट और नीचे के भी दो टारगेट आपको अचीव हो गए TCS में, ये भी ठीक ठाक रहा, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। अब आते हैं जो मैंने दिया आपको टेलीग्राम पर, टेलीग्राम पर जो स्टॉक दिया था वो दिया था माइंडट्री, माइंडट्री को भी देख लेते हैं, तो माइंडट्री का भी हम लोग रिव्यू करते हैं
माइंटी को 875 के ऊपर बाइंग के लिए दिया था, पहली कैंडल 878.95 चला गया, अगेन ये कैंडल ने 875 के ऊपर से चलना शुरू हुआ। ये बेस्ट हमारे लिए, ये बेस्ट कंडीशन है, क्योंकि शुरू के 5 मिनट के बाद हमें उसमें काम नहीं करना रहता है, सेकेंड कैंडल हमारे बाइंग लेवल को एग्जीक्यूट कर रहा है, तब हम लोगों ने एंट्री लिया और टारगेट 881 का आसानी से अचीव हो गया पहला, दूसरा टारगेट 887 का आसानी से अचीव हो गया और तीसरा टारगेट 893 का आसानी से अचीव हो गया। तीनों टारगेट अचीव हो गया, उसके ऊपर फिर जितना जाना है आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे 860 के नीचे सेल था, नीचे आया ही नहीं, यानी इसने भी तीनों टारगेट हमारे अचीव कर दिए माइंड ट्री में। चलिए ये भी सुपर हिट हो गया। अगला स्टॉक महिंद्रा का दिया था, एमएनएम का, ठीक है, एमएनएम का दिया था, तो एमएनएम को भी हम लोग देख लेते हैं, एमएनएम। चलिए महिंद्रा एंड महिंद्रा भी ओपन हो रहा है, अभी हम लोग महिंद्रा एंड महिंद्रा को भी देख लेंगे क्या किया। महिंद्रा एंड महिंद्रा को बाय करना था 675 के ऊपर, 675 के ऊपर, 675 के ऊपर यहाँ कहीं पे बाइंग करना था और पहला टारगेट हमारा था 679 का और स्टॉक ने हाई लगाया 677 का, यानी ऊपर का स्टॉप लॉस आपका कट गया, ऊपर का स्टॉप लॉस बहुत ही आसानी तरीके से आपका कट गया। और नीचे जो 665 नीचे सेल दिया था वो देखते हैं कहाँ पे अचीव होता है, 665, 665, 665 तो आया ही नहीं है, 665 के नीचे गया ही नहीं है ये स्टॉक, एक्चुअली 665 के नीचे ये स्टॉक गया नहीं, तो हमारा सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ठीक है, ये 5 मिनट के कैंडल को तो कंसीडर नहीं करना हम लोगों को, उसके बाद वाले में मानते हैं, तो 665 ये गया ना, सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इसमें ये पूरा फेल हो गया, ये तार स्टॉप लॉस हिट हो गया आपका, मैं मान लेता हूँ इस बात को। अगला स्टॉक दिया था एससीएल टेक का, एससीएल टेक का दिया था, एससीएल टेक भी देख लेते हैं। एससीएल टेक को बाय करना था 983 के ऊपर, शुरू के 5 मिनट में ये 984, 9, इसने सेल्स बाय साइड का आपका स्टॉप लॉस काट दिया, बहुत ही आराम तरीके से काट दिया, आराम आराम से, बहुत ही आराम से काट दिया, लॉस करा दिया। 970 के नीचे सेल दिया था, 970 के नीचे यहाँ कहीं पे सेल दिया था और इस कंडीशन में जो पहला टारगेट निकल के आ रहा था 971, 963 का, तो वो आपको यहाँ पे अचीव हो गया एक टारगेट, दूसरा टारगेट अचीव नहीं हो पाया, तो एक ही टारगेट ये अचीव हुआ है। फिर उसके बाद देखिए जाता है 983 के ऊपर, दोबारा से ये घूम के जाता है, तब जाके आपको ऊपर के टारगेट 990 और 997 के, 995 का ये हाई लगाता है। तो ये मान लेते हैं कि एक आपका स्टॉप लॉस कट गया बाय साइड का, नीचे एक टारगेट अचीव हुआ, यानी ये एवरेज हुआ। ठीक है, इसमें आपको खास नहीं हुआ, एवरेज हुआ। अब रनिंग मार्केट में मैंने दिया था अमारा राजा बैटरी को, हमारा जो बैटरी को मैंने दिया था शायद 742 के ऊपर बाइंग, हाँ 742 के ऊपर बाइंग दिया था, और वो भी कहाँ पे दिया था, इस कैंडल के पास में कहीं पे दिया था, इस कैंडल के पास में 742 के पास, तो 742 के ऊपर हमें लेना था, मैंने खुद भी लिया था। और इस कंडीशन में जो हमारा टारगेट था 747 का था, जो कि आपको आसानी से यहाँ पे अचीव हो गया, दूसरा टारगेट 752 का था, मेरा भी यही टारगेट था 752, आराम से यहाँ अचीव हो गया और उसके बाद पूरा टारगेट आ गया, यानी सक्सेस हो गया। तो दोस्तों ये था मेरा ओवरऑल अपना स्टॉक परफॉर्मेंस रिव्यू, जिसमें आपको हमारा राजा बैटरी ने जो लाइव मार्केट में मैंने दिया था इसमें सक्सेस हुए, स्टार यूट्यूब के चैनल पर दिया था स्टराइट फार्मा, तीनों टारगेट अचीव हो गया, बाय साइड के भी, सेल साइड के टीसीएस के 2 टारगेट अचीव हो गए और कॉन्कॉर का एक टारगेट अचीव हुआ, उसके बाद माइंड्री में तीनों टारगेट अचीव हो गए, एमएनएम में आपको स्टॉप लॉस कट गया और जाके एससीएल टेक में एवरेज हुआ आपका। तो दोस्तों अपना ये स्टॉक परफॉर्मेंस रिव्यू था, अगर रिव्यू ईमानदारी से क्या लगता है जरूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।